वेरी वॉर्म वेलकम, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। पठान डायरेक्टर के साथ साउथ सुपरस्टार ने मिलाया हाथ। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में जबरदस्त एक्शन करेंगे प्रभास। बाहुबली फेम एक्टर प्रभास की आने वाले दिनों में एक या दो नहीं बल्कि चार चार फिल्में रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में प्रभास के हाथ एक और बड़ी फिल्म लग गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ सुपरस्टार ने पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की नई फिल्म साइन कर ली है। बीते दिनों प्रभास और सिद्धार्थ आनंद की मीटिंग की खबरें भी सामने आई थी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बाहुबली एक्टर ने सिद्धार्थ आनंद की फिल्म के लिए हामी भर दी है। इस फिल्म में प्रभास एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। सिद्धार्थ का ये प्रोजेक्ट पैन इंडिया है, जिसमें प्रभास लीड रोल में होंगे। वैसे आपको बता दें कि अभी तक इस फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ और प्रभास की इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स नाम की कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। इस फिल्म की शूटिंग सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्म फाइटर की शूटिंग खत्म होने के बाद शुरू करेंगे। इन दिनों प्रभास भी अपने नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। आने वाले दिनों में प्रभास स्टारर आदि पुरुष, सालार, प्रोजेक्ट के और स्पिरिट पाइपलाइन में हैं। वहीं ओम राउत के डायरेक्शन में बन रही प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष इसी साल रिलीज होने वाली है। 500 करोड़ रुपए के बजट वाली इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। बीते दिनों टीजर को लेकर कई विवाद भी खड़े हुए थे, जिसके बाद फिल्म की रिलीज डेट भी टालनी पड़ी। ऐसे में आदि पुरुष में कई छोटे मोटे बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके बाद ही ये फिल्म 16 जून को थिएटर्स में दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब की मिट्टी को मिली नई फिल्म सिटी। चंडीगढ़ के पास बनी नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी सिनेमा नगरी। फिल्म सिटी का होना मतलब सिनेमा की एक अलग दुनिया का होना, जहां पर आपको एक ही छत के नीचे देश विदेश की सभी चीजें देखने को मिलती हैं। एक ऐसी ही फिल्म सिटी का चंडीगढ़ में ग्रैंड लॉन्च हुआ है, जिसका नाम HLV फिल्म सिटी है। यहां पर आपको इंटरनेशनल शूटिंग के साथ साथ ढेरों ऐसी लोकेशंस देखने को मिलेंगी जो वाकई में आपको चौंका देंगी। पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हॉस्पिटल, वेनिस ग्रीस के थीम पर बनी बिल्डिंग्स आर्टिस्ट्स का अटेंशन ग्रैब करती हैं। हाल ही में इस नई फिल्म सिटी का ग्रैंड लॉन्च इवेंट हुआ, जिसमें पंजाब इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। इस दौरान यूलिया वेंतूर ने अपनी परफॉर्मेंस से इस शाम में चार चांद लगा दिए। साथ ही इसका इनॉग्रेशन डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान ने किया, जो पंजाब के CM की वाइफ है। तो चलिए इस फिल्म सिटी के ओनर हितेश लकी वर्मा से ही जान लेते हैं कि इस फिल्म सिटी में ऐसा खास क्या है जो इनके इस ड्रीमलैंड को बाकियों से अलग बनाता है। उनके लिए हमने ये किया कि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सऊदी है, फ्रेंच है, यूरोपियन है, अमेरिकन है। फेज टू में हमारे पास जैसलमेरी आ रहा है, एक गोल्फ कोर्स आ रहा है, एक लेक आ रही है। तो फेज टू के लिए भी हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। फिल्म सिटी के इस लॉन्चिंग इवेंट में यूलिया वंतूर ने अपनी सिंगिंग जर्नी शेयर। उन्होंने बताया कि पंजाब से उनका खास लगाव है। फॉर मी पंजाब इज वेरी स्पेशल। एज आई सेड, फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड माय सिंगिंग जर्नी हियर इन पंजाब इन पटियाला। व्हेन आई सांग फॉर द फर्स्ट टाइम तेरी मेरी, एक्चुअली आई सांग द रोमेनियन वर्जन, एंड लाइक दैट तेरी मेरी वाज क्रिएटेड, एंड इट हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। And I hope I will come back here, and I will shoot here as well, right? Because you are saying I will shoot a music video or for a movie. It's a big big opportunity for all of us to you know have a new place and a creative place. वहीं बॉलीवुड सिंगर कमाल खान ने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की डिटेल्स रिवील की, साथ ही बताया कि उनके इस नए सॉन्ग की शूटिंग कहां होने वाली है। सर बहुत जल्दी, बिकॉज यहां पे आपने देखा होगा पूरे सेट ही इतने शानदार लगे हैं और बहुत बहुत मेहनत लगी है पूरी टीम की, क्योंकि ये मेरा घर है। मेरे दोस्त ही यहाँ थे जिन्होंने ये फिल्म सिटी बनाई है। लकी साहब, राहुल जी, ये सब मेरे दोस्त हैं और मैं आता जाता रहता हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम। इसके अलावा पॉपुलर पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती का क्या है कहना पंजाबी इंडस्ट्री को लेकर, आइए उनसे ही जान लेते हैं। पंजाबी इंडस्ट्री धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इसमें सबका योगदान है, सब आर्टिस्टों का, सब डायरेक्टर्स का, सब प्रोड्यूसर्स का, जो
जिन्होंने दर्शकों का जिन्होंने पंजाबी सिनेमा पे विश्वास जताया है, और मुझे लगता है कि ये यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये हम भी तमिल या मलयालम फिल्मों की तरह जो है वो एक रिकॉर्ड बनाएंगे, और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जो किरदार है वो सबके सामने आएगा कि हमारे पास कंटेंट बहुत है, आर्टिस्ट बहुत है, हम दलेर बड़े हैं पंजाबी लोग, इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो ये बड़ी अच्छी एक फिल्म सिटी बनी है, मेरी पूरी उम्मीद है, मैं दुआ करता हूं, अरदास करता हूं कि ये इंडस्ट्री साड़ी पंजाबी इंडस्ट्री नहीं, फिल्मों वाले जेडे लोग बॉम्बे तो भी आके शूट करते हैं वो भी इन्हें इस्तेमाल कर। तो ये थी हितेश लकी वर्मा की फिल्म सिटी, जिसे वो अपना ड्रीम लैंड मानते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ ढेर सारी फिल्मों और गानों की शूटिंग होने वाली है, जिनमें आप इस नई फिल्म सिटी की खूबसूरती को देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24। डेटिंग की खबरों के बीच एक साथ स्पॉट हुए तमन्ना विजय। अवार्ड सेरेमनी के दौरान रूममेट कपल एक दूसरे को लगाते दिखे गले। बीटाउन में अक्सर किसी न किसी नए सितारों की जोड़ी बनती रहती है। ऐसा बहुत बार होता है कि मीडिया में खबरें वायरल होने के बावजूद भी स्टार्स अपने रिश्तों पर मोहर नहीं लगाते। वेल, इन दिनों एक और बॉलीवुड कपल के डेटिंग की खबरें जोर पकड़ रही हैं। जी हाँ, विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया अपनी लव लाइफ को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक विजय और तमन्ना ने अपने रिलेशनशिप पर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। आपको बता दें कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान भी विजय और तमन्ना को एक साथ स्पॉट किया गया था। तभी से ही कयास लगने शुरू हो गए कि विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस बीच अब तमन्ना और विजय का एक और लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। दरअसल हाल ही में दोनों एक्टर LA अवार्ड सेरेमनी में शामिल हुए थे। इस दौरान तमन्ना अपना फोटोशूट करा रही होती हैं, तभी पीछे से विजय उनको कुछ बोलते हुए गुजरते हैं। इसके बाद दोनों एक्टर एक दूसरे से हाथ मिलाकर गले मिलते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टाइलिश ब्लू कलर की थाई हाई स्लिट में तमन्ना भाटिया बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वहीं विजय वर्मा भी फंकी लुक में नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमन्ना और विजय के इस लेटेस्ट वीडियो ने दोनों के रिलेशनशिप में होने की खबरों को और हवा दे दी है। इस वीडियो को देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों ने बिना कुछ बोले ही अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया है। वेल, जब तक विजय और तमन्ना की तरफ से इस रिलेशनशिप पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आता, ये खबरें सुर्खियां बटोरती रहेंगी। रिपोर्ट E24। गोल्डन ग्लोब के बाद RRR को मिला एक और खिताब। स्टीवन स्पिलबर्ग के बाद राजामौली ने की जेम्स कैमरून से मुलाकात। SS राजामौली इन दिनों अपनी मास्टरपीस फिल्म RRR को लेकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इसी बीच RRR ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी अपने नाम कर लिया है। दरअसल फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग की कैटेगरी में ये खिताब मिला है। ये अवार्ड सेरेमनी अमेरिका के लॉस एंजलिस में रखी गई, जिसके पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बात की जानकारी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है। ट्वीट में लिखा है कि फिल्म RRR की कास्ट एंड क्रू को बहुत बधाई। फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड अपने नाम किया है। आपको बता दें कि RRR का मुकाबला ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, अर्जेंटीना 1985, ब्राडो, क्लोज और डिसीजन टू लिव जैसे इंटरनेशनल फिल्मों से था। इन सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए RRR ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीत लिया है। इस अवार्ड को जीतने के बाद SS राजामौली ने स्टेज पर विनिंग स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने कहा, ये अवार्ड मेरे जीवन में आई सभी महिलाओं और मेरी मातृभूमि भारत के लिए है। आपको बता दें कि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 16 जनवरी को लॉस एंजलिस में आयोजित किए गए। इस खास मौके पर राजामौली की मुलाकात जेम्स कैमरून से भी हुई। उन्होंने 10 मिनट तक RRR पर चर्चा की। वहीं इस बातचीत के बाद राजामौली ने ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो इस वक्त 7वें आसमान पर है। महान डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने RRR देखी, उन्हें ये इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी वाइफ सूजी को भी इसे देखने की सलाह दी और उनके साथ फिल्म को दोबारा देखा। राजामौली ने आगे कहा, सर मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने हमारे साथ पूरे 10 मिनट हमारी फिल्म का विश्लेषण करने में बिताए। जैसा कि आपने कहा, मैं दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर हूँ। आप दोनों का शुक्रिया। इससे पहले SS राजामौली ने अमेरिकन फिल्म मेकर स्टीवन स्पिलबर्ग से मुलाकात की थी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने के बाद राजामौली ने अपने सोशल मीडिया पर स्टीवन के साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करते हुए उन्हें अपना गॉड बताया था।
वेल जल्द ही 95वें एकेडमी अवार्ड्स का ऐलान किया जाना है, जिसे लेकर पिछले काफी दिनों से कई प्रक्रिया चल रही हैं। ऑस्कर्स की इस दौड़ में आरआरआर भी शामिल है। ऐसे में गोल्डन ग्लोब अवार्ड और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में राजामौली की फिल्म का जलवा देखने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म ऑस्कर्स में भी अपना नाम रोशन कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। वेल, आज के लिए बॉलीवुड रिपोर्टर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरों के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।